छत्तीसगढ़ में राजनीति अब आने वाले विधानसभा चुनाव का असर दिखाने लगी है। वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर बालोद जिला में सभी गौठाने, धान खरीदी केंद्र, अन्य प्रमुख स्थानों पर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाते हुए भूपेश बघेल की जनहित कल्याणकारी योजनाओं का बखान कर आम जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा इस पर कटाक्ष करते हुए कह रही है कि कांग्रेस ने 4 साल में छत्तीसगढ़ का खजाना लूटा है, यह समय गौरव के नहीं भय और आतंक का रहा है। भूपेश राज्य में भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हुई है, भ्रष्ट अधिकारियों की 152 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। यह प्रमाणित हो चुका है कि घोषणा पत्र का वादा केवल पुलिंदा साबित हुआ है। किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस देने की बात कही गई थी, परंतु शासन स्तर पर इसे विचाराधीन बता दिया गया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद ही दयनीय हो चली है। कई सालों से छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, वो खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। जैसे पहले त्योहार होता था तो चावल त्योहार और क्या मोबाइल त्योहार और ये सब, लेकिन अब माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लोगों ने छत्तीसगढ़ के ओरिजिनल त्योहार, चाहे वो तीजा पोला हो या कोई भी त्योहार हो, सबको जानना चालू किया। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि खाली निर्माण ही विकास होता है। मैं ये जानता हूं कि आज छत्तीसगढ़ के लोग खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, चाहे वो नरवा गरवा घोड़वा बारी का काम हो। ऐसा मॉडल सरकार को बने 4 वर्ष हो गए हैं, इस 4 वर्ष को वो गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस मानती है, क्योंकि भूपेश की सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया था। उस जन घोषणा पत्र में उन्होंने जितनी बात कही थी वो एक भी लागू नहीं कर पाए हैं।